सब गाइस वेलकम बैक टू वीडियो भैया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार वीडियो कैसे अपलोड करें। गाइस यार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका गाइस यार बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, तो मैं बताऊंगा यार बिना किसी यार आप टेंशन के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यार कुछ बंदे यार बहुत यार उसमें मतलब गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, तो वायरल होने का चांस ही नहीं रहता उसमें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वीडियो को अपलोड करना है, कैसे टाइटल डालना है, कैसे गाइस टैग लगाने हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक चीज गाइस बताऊंगा, इसमें छोड़ूंगा नहीं गाइस एक एक चीज भी। तो मैं आप लोगों को, चलिए मैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूं यहां पे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार आप लोगों को अपलोड करने के लिए यहां पे यूट्यूब पे आना होगा, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद गाइस यहां पे जो नीचे गाइस प्लस वाला ऑप्शन होता है, यहां पे आप लोगों को करना है क्लिक, ठीक है। तो अभी यार थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तो गाइस जैसे ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आप लोगों को करना है क्लिक और अपलोड वीडियो पे कर देना है क्लिक। तो उसके बाद गाइस कोई सा भी वीडियो, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए अपना ये वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ लोग इसको डायरेक्ट से अपलोड कर देते हैं गाइस, ये आप लोगों को बिल्कुल भी मत करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को गाइस ऐड डिटेल्स के ऑप्शन में गाइस यहाँ पे टाइटल आपको डाल देना है गाइस, जैसे कि मेरा टाइटल गाइस है कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो गाइस यार ये मेरी गाइस दूसरी वीडियो है, तो गाइस इसमें मैंने बताया कि काइन मास्टर को कैसे, ये अभी तो ये वाली वीडियो वाली बन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काइन मास्टर वाला बताऊँगा, ठीक है। एक इसमें मैंने बताया कि काइन मास्टर को कैसे डाउनलोड करें विदाउट वाटर मार्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हाउ टू डाउनलोड काइन मास्टर विदाउट वाटर मार्क। तो गाइज यार यहाँ पे विदाउट वाटर मार्क, तो गाइज यहाँ पे मैंने ये टाइटल इतना लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ से आप लोगों को वीडियो को प्राइवेट ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे यार कुछ लोग पब्लिक कर देते हैं, यहाँ से पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। इतना करके आप जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे ये वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों इसको कर देना है अपलोड। तो यहाँ पे मैं ये अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि यार इसमें थोड़ी सी मेरे को एडिटिंग करनी है, ठीक है। अभी मैं वाइटिंग खोल के मैं आपको लोगों को यार लाइव प्रूफ सब दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को टाइटल डालना है, कैसे क्या। एक मैंने वीडियो पहले अपलोड की है, उसी से मैं सब दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप लोगों को ओपन करने के बाद, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल ये डाल लेना है, ठीक है। जो भी यार अपनी वीडियो का टाइटल, जो आपकी वीडियो का टाइटल है वो यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट करने के बाद ये वीडियो अपलोड पे कर देनी है, ठीक है। तो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं करना है। उसके बाद गाइस मैं दिखाऊँ कि मैं क्या क्या करता हूँ अपनी वीडियो में। तो हम लोग इसको करते हैं बैक। तो बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ कि करना क्या है। वाईटी आप लोगों को कर लेना है ओपन, जो कि यूट्यूब स्टूडियो। तो गाइस यार मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि आप लोगों को करना क्या होगा। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ गाइस, यहाँ पे पहले कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं यही वाला वीडियो दिखा देता हूँ कि मैंने डिटेल क्या क्या इसमें डाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यार यहाँ पे गाइस मैं प्लस वाले पेंसिल वाले आइकन पे करता हूँ क्लिक। तो गाइस मैंने ये वीडियो डाला था सैमसंग गैलेक्सी J2 में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, ये वाला ऑप्शन हमेशा के लिए हटाएं। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल में सैमसंग गैलेक्सी J2 में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट वाले ऑप्शन को हमेशा के लिए हटाकर बाय बाय कहें। तो ठीक है, ये मैंने वहीं से लिख दिया था जहाँ से अभी मैंने बताया। उसके बाद सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ से सारी प्रोसेसिंग चालू होती है डिस्क्रिप्शन से। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। गाइज यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो भी आप लिखते हो, ठीक है, आप लोगों को लिख देना है। बाकी यार हैशटैग अपने अपने चैनल का हैशटैग, बाकी जिस पे आप वीडियो डाल लो उस पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आ जाना है बैक। तो बैक आने के बाद यहाँ पे सब कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को वीडियो को पब्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप प्राइवेट थी वहाँ से, तो यहाँ से आके पब्लिक करना है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यार वीडियो अपलोड करने से पहले ये सब डिटेल डाल देनी है, ठीक है। ये सब डिटेल, उसके बाद ये मोनिटाइज यार ओपन, आप लोग अगर मोनिटाइज है तो यहाँ से ऑन कर लेंगे। उसके बाद टैग्स में गाइज मैं आपको बताऊँ कि क्या डालना है। गाइज वीडियो के रिलेटेड टैग्स डालने, इधर उधर के
करके नहीं कि कुछ भी जो मन में आ रहा है वो। गाइज इसमें यार 10 टैग से ऊपर नहीं लगते हैं, क्योंकि यार यूट्यूब का अपडेट है आई थिंक कि इसमें 10 टैग के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, मैंने ये सब लगाए हैं यहाँ पे वीडियो टाइटल के ऊपर। गाइज जो भी आपका टाइटल है, तो मेरा गाइज टाइटल स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट वाले गैलेक्सी J2 में था, तो मैंने आप देख सकते हैं J2 में कैसे प्रॉब्लम गाइज ये सब मैंने टैग लगाए हैं। 10 के ऊपर आप टैग नहीं लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने चैनल का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद इस वीडियो को आप लोगों को कर लेना है सेव, ठीक है। तो मेरी तो पहले से सेव है। सेव करने के बाद यही होता है गाइज आप लोग का वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो गाइज आई होप कि यार आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो यार प्लीज़ यार लाइक जरूर से करना, और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।